प्रोफेशनल लोग हैं हम लोग। स्वागत है हमारे घर की दिनचर्या यही है। अब आज जो है खाने में भिंडी बनने वाली है। भिंडी धो करके रख दिया है और इस छाननी में सूख जाए ताकि कि इसको काटने में आसानी हो। भिंडी इसी तरीके से बनाया जाता है। तो सर ये पूजा के बर्तन की कल मंदिर वो शिफ्ट किया था शाम से, तो ये पूजा का बर्तन वगैरह सारा धो लिया है। पीताम्बरी एक आता है, पाउडर आता है, उसी से जितने भी ब्रास के और ये तांबे के जो हैं बर्तन वो इसे साफ़ करते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स को पता है कि पीताम्बरी पाउडर से साफ़ होता है, क्योंकि वो लोग भी उनके बहुत सारे लोगों के मैं चैनल देखती रहती हूँ, तो उसमें भी देखने को देख करके भी कुछ सीखने को मिलता है और कुछ अपने आप से भी। मैं ज़्यादातर पहले नींबू उससे रगड़ के साफ़ किया करती थी ब्रास के जितने भी, अब पीताम्बरी से साफ कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा से साफ होता है। ये देखिए ये चांदी का ग्लास है, ये भी पीताम्बरी से इतना साफ हो गया है। ये पूजा के पास भी रहता है तो ये साफ हो गया था, सूख गए थे सारे बर्तन, तो मैंने कहा इसे अभी मंदिर में रख देती हूँ वापस ले जाकर। साथियों जनरली होता क्या है कि मैं इंस्टा देख रही होती हूँ, यूट्यूब देख रही होती हूँ, तो आप सबको मालूम है कि जब आप बहुत सारे चैनल को देखते हैं सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो जैसे ही आप चैनल शुरू करते हैं तो अलग अलग तरीके के ऐड आते हैं। ऐड को खोल के भी देखती हूँ, कभी कभी कोई चीज़ अचानक मुझे अच्छी सी लग रही होती है तो मैं कहती अच्छा अच्छा इसको देखती क्या हूँ, क्योंकि जो घर से घर के डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ है तो वो मेरी थोड़ी सी वीकनेस है, तो मैं इसे ढूंढती हूँ और उसी टाइम में जब मुझे अच्छा लग जाता है कोई चीज़ तो थोड़ा उसका रिव्यू पढ़ती हूँ, डिस्क्रिप्शन उसका पढ़ने के बाद मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो इस तरीके से घर का सामान आ जाता है। इस तरीके से अभी मैंने दो तीन चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, तो आज जब ये दोनों पैकेट देखे गया तो हमने कहा कि भाई अभी अभी मैं खोल के देख लेती हूँ। अभी मैंने ये डाइनिंग टेबल के लिए रनर मंगवाया है, तो मैंने कहा कि ये रनर मंगवा लेती हूँ, सेल भी चल रहा था, 50% डिस्काउंट शायद चल रहा था। हाँ ये मतलब मुझे एक 565 का पड़ा है। ये देखिए ये डाइनिंग टेबल रनर मंगवाया है, इसकी इसकी इसका जो साइज था ना वो बहुत अच्छा था, मेरा 6 सीटर है डाइनिंग टेबल तो उसके लिए अच्छी लंबी सी चाहिए। अभी तक मैं जो भी मंगवा रही थी वो थोड़ा उसका साइज छोटा हो जा रहा था, शौक है इसलिए मंगवा लिया, तो ये दो मंगवाया, दोनों 565 के ईच मिला है मुझे, तो ये दो मैंने मंगवाया है। इसका मैं वेट कर रही थी, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये कंफर्टर है, ये देख रहे हैं इसी तरीके का है, ये स्ट्राइप है और ऊपर प्रिंट है, इसको मैं खोल दूंगी तो इसका एयर निकल जाएगा, ये एयर टाइट पे डाला हुआ है, ये देख रहे हैं, ये देखिए, तो इसलिए इसको खोल नहीं रही हूँ, पर यही इसका डिज़ाइन है जो ये इस तरह से लाइन में, तो जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ही, तो यही है। तो आज ये आया तो मैंने कहा आज ही के आज आपको मैं दिखा देती हूँ। ये सब करते करते ध्यान आया कि जो कंफर्टर अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा मोटा वाला है, क्योंकि बीच में 2-3 दिन कितनी ज़्यादा सर्दी सी हो रही थी ना, कुहासा वगैरह हो रहा था, तो अब उसे वापस रखा है। फिर अभी तो एसी चल नहीं रहा है तो नॉर्मल जो चादर होती है वो यूज़ करेंगे, तो इसलिए जितने भी कम्फर्टर थे वो वापस रख दिए हैं, फिर उसके बाद एसी वाले निकलेंगे। अब इस तरह की पुरानी मूर्तियाँ हो गई हैं, ये बहुत साल 25 साल पुरानी मूर्ति है, ये मुझे ऑफिस से मिला था गिफ्ट में जब यहाँ आई थी मैं ट्रांसफ़र होके के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो इसलिए सरस्वती की ये प्रतिमा मिली थी मुझे। तो अब ये मिक्स है, इसमें लोहा भी है शायद, तभी इसको वॉश करो तो ये काला काला कुछ जगह हो जाता है, कुछ जगह ब्रॉन्ज, तो इस तरीके का आप जो है स्प्रे कलर लीजिए और इस तरह से कोई भी पुरानी मूर्ति है उसको रीयूज़ करने के लिए आप इस तरह से इस पर लगा दीजिए। और आप सबको मालूम है कि इस तरह का जो स्प्रे होता है कलर जो होता है वो इतना फास्ट सूखता है, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है,
तो इस तरह से अगर आप स्प्रे कर देंगे तो बिल्कुल ये मूर्ति आपकी फिर से नई हो जाएगी और आगे बहुत दिनों तक चलने वाली हो जाएगी। इस तरह से जितने भी ब्रास के हमारे पास प्रतिमाएं हैं वो तो पीताम्बरी से साफ कर लिया है, और जो पीताम्बरी से साफ नहीं होने वाला है यानी लोहे का है या किसी और मेटल का है किसी भी चीज़ का, तो उसे हम इस तरह से पेंट करके और बस तैयारी कर रहे हैं अपने लिविंग रूम के मेकओवर की। शीशे को साफ़ करने के लिए मैं हमेशा कागज़ का इस्तेमाल करती हूँ, या तो पेपर नैपकिन ले लीजिए या फिर अखबार का टुकड़ा ले लीजिए, हल्का सा उसके ऊपर पानी छींट करके उसको गीला करके और उसे शीशे को साफ़ कीजिए, देखिए कितना चमक जाएगा आपका कोई भी वार्डरोब है शीशे वाला। तो वो इस तरह से साथियों आज सैटरडे है, शनिवार का दिन है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं था ऑफिस से आने के बाद, जो थोड़ा मोड़ा काम मैंने काम किया है उसमें से जो आपके साथ शेयर करने लायक था वो मैंने शेयर किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।